तो हम लोग जिस स्टारबक्स पे आके बैठ गए हैं, लेकिन इतनी लंबी लाइन है ना, अभी भी 4-5 लोग आ गए हैं, तो मैं सोच रही हूँ उसके बाद जाके कॉफी लूँ। टाइम तो हमारे पास बहुत है, क्या फर्क पड़ता है ना अभी। और तुम्हें पता है तुमने क्या किया है? क्या? हम दोनों अलग अलग सिक्योरिटी चेक लाइन में लग गए। मैं जैसे ही वहाँ पे पहुंचा तो सिक्योरिटी चेक में वो बंदा कहता कि सर आपका नाम संभावना सेठ है। Hi, good morning people, welcome back to our channel. हम लोग एकदम सुबह से उठे हुए हैं, सुबह से मतलब बहुत ही सुबह से। ये आप देख रहे हो कि एक बैग है जो कि पैकिंग का है, बच्चे हमारे रुल गए हैं कि माँ बाप किधर जा रहे हैं, बाप ये रहा और माँ ये रही। अब बाप आपको बताएगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। ये लो बाप। तो जब बाप पे थी तभी बाप से पूछ लेती इतना कैमरा घुमा घुमा के क्या है, बनी हुई है तुम। दोस्तों पैकिंग हो चुकी है इसलिए सुबह सुबह ब्लॉग शुरू नहीं किया, और हम लोग जा रहे हैं वैष्णो देवी। हम दोनों को ही वैष्णो देवी गए वो काफी टाइम हो गया, और साथ में तो हम अपनी पूरी लाइफ में कभी नहीं गए, फर्स्ट टाइम जा रहे हैं। और बहुत दिनों से प्लान बन रहा था, ये बहुत दिनों से प्लान तो नवरात्रे का था लेकिन नवरात्रे निकल गए, उसमें नहीं हो पाई प्लानिंग। लेकिन हमने कहा कुछ भी हो नवरात्रे के लिए नहीं बैठेंगे, हम लोग चले जाएंगे हमें जब टाइम मिलेगा। अब हम लोग निकल रहे हैं, बैग वैग पैक हो चुका है, बच्चों को बाय बाय टाटा कर दिया है, नीचे हमारी कैब आ चुकी है, आप लोग को मिलते हैं हम सीधा नीचे। चलो अमिता दीदी, दीदी ध्यान रखना घर का, बच्चों का, कपड़ों का, अमिता ध्यान रखना, कोई भी घर के अंदर ना आए, बाहर से बाहर को आने की कोशिश भी करे तो दीदी को आगे कर देना, दीदी से बात करो, दीदी बात करेंगे फिर, ठीक है दीदी, चलो बाय। अरे मेरा फोन कहाँ है? और जो कल कपड़े आए थे ना उनका आज सरप्राइज खुल चुका है, वो इसलिए आए गए थे। कैसे? अच्छा नहीं लग रहा? अगर इसको नए कपड़े ना मिले तो ये फ्लाइट टिकट कैंसिल करा देती है। एक रील बनाएंगे इसमें। कौन सी? अरे कहाँ जा रही हो तुम, कैब यहीं आएगी? थोड़ा सा अपने लिए कुछ खाने के लिए ले रही हूँ। हम पहली बार इतनी जल्दी तैयार होकर और जल्दी ही निकल गए ताकि हम लोग एयरपोर्ट पे आराम से टाइम बिताएं, कुछ खरीदना हो, कुछ भी लेना हो, तो मैं अपनी जर्नी आराम से वक्त से पहले बिताना चाहती हूँ। वक्त से पहले मतलब उस जर्नी पे पहुँच जाना चाहती हूँ ताकि मैं आराम से अपना टाइम पे घूमूं, थोड़ा एयरपोर्ट घूमूं, थोड़ा मस्ती करूं। जी हम लोग निकल पड़े हैं और एक बार बोलेंगे जयकारा श्री वाली दा बोल सांचे दरबार की जय। और बहुत एक्साइटेड है हम लोग क्योंकि मेरे को हो गया, मैं डांसिंग क्वीन जब मैंने विन किया था ना डांस रियलिटी शो, अगर आपको याद हो, उसके बाद मैं अपने भाई के साथ वैष्णो देवी गई थी क्योंकि थैंक्स बोलना बहुत जरूरी था। लेकिन उसके बाद थैंक्स का कभी देखो कितनी वो गलत बात है कि कभी गई नहीं, लेकिन अब मौका मिल रहा है, अब सिर्फ थैंक्स करने का मौका है, किसी बात का थैंक्स नहीं करना, बस थैंक्स करना और माता के दर्शन करना। तुम्हारे दिल में कुछ है तो बोलो। तुमने खुद सुना जो तुमने बोला? नहीं। थैंक्स करना, किसी बात का थैंक्स नहीं करना, बस थैंक्स करना, मतलब किसी बात के लिए नहीं जा रहे हैं कि ओ मन्नत है मेरी, ये नहीं, मतलब हम जा रहे हैं बिकॉज वी वॉन्ट टू डू दर्शन एंड फर्स्ट टाइम वी आर टुगेदर, वी आर नॉट टुगेदर। मैं टिकट्स और वो दे देता हूँ, मैं बैग ले लेता हूँ। हाँ जी। उधर किससे बोल रही थी? मतलब देख भी रही थी। तो जी विद इन 2 मिनट्स हमारा बोर्डिंग हो गया, बोर्डिंग पास मिल गया और हम लोग 2.5 घंटे पहले पहुंच चुके हैं। अब समझ में नहीं आ रहा क्या करेंगे। अरे बहुत कुछ करेंगे, मैं आज बहुत रिलैक्स मूड में हूँ, मेरा मूड मत खराब करना, तुम्हारी ये वो है फितरत, जैसे ही मेरा मूड अच्छा देखते हो ना तुम कुछ उसमें बीच में करते हो। मेरा बोर्डिंग दो। तो खाना तो खिला रहे हैं ना, भूखी मछली अच्छी लगती है, भूखी मछली। तो हम लोग जिस स्टारबक्स पे आके बैठ गए हैं, लेकिन इतनी लंबी लाइन है ना, अभी भी 4-5 लोग आ गए हैं, तो मैं सोच रही हूँ उसके बाद जाके कॉफी लूँ। टाइम तो हमारे पास बहुत है, क्या फर्क पड़ता है ना अभी भी। और तुम्हें पता है तुमने क्या किया है? क्या? हम दोनों अलग अलग सिक्योरिटी चेक लाइन में लग गए। मैं जैसे ही वहाँ पे पहुंचा तो सिक्योरिटी चेक में बंदा कहता कि सर आपका नाम संभावना सेठ है। हाँ, अपना बोर्डिंग मुझे दे दिया था, मेरा खुद ले गई थी। हाँ पता है, वो तो मेरे से गलतियाँ हो जाती हैं, बट अब इट्स ऑल इज ओके देन ऑल इज ओके। तो मैं अब जा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 लोग हैं आगे, उसके बाद जाऊंगी। भूखी भी लगी है, बहुत स्लो सर्विस है अभी। आधा घंटा तो मैं यही हो गया, तो लोगों की फ्लाइट ही छूट जाएंगे ऐसे। तो एक कॉफी आ गई है, दूसरी आ रही है, उसमें भी एक बाकी है। हाँ ढूंढ रही हूँ, दिख नहीं रहा कुछ और भी खरीद लिया, तो मेरा फेवरेट प्रोडक्ट मुझे मिल गया काफी दिनों के बाद। अरे आई विल बाय सम परफ्यूम आल्सो। अरे मेकअप लेके पेट नहीं भरा, तुम परफ्यूम लेने भी आ गई।
मान जाओ यार, ये दिस इज द क्लासिक वन ना, ये भी सेम ही है वाला। तो जी मैंने इधर से अविनाश ने लिया है ये यूगो बॉस आफ्टर लॉन्ग टाइम, एंड मैंने बहुत ही सालों के बाद, बिकॉज इट इज एक्सपेंसिव ऑल्सो, लेकिन मैंने इस बार जेदोर मैंने ले ली, मुझे चाहिए, एंड दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट परफ्यूम। तो मैं ना लेती नहीं थी, बट मैंने आज कहा कि बेबी साथ में है तो ले भी लेती हूँ। तो जी हम लोग निकल गए, गड्डी मिल गई चड्डी। मैंने सनग्लासेस नहीं लिए, इसने ले लिए, ये पहने हुए मैंने नहीं लिए। इसमें भी बहुत डिस्काउंट था, मतलब उन्होंने मुझे 200 रुपए दिए हैं कि आप ले जाओ। बात कर रहे हो, हाँ। पहनने के 200 रुपए दिए, हाँ, कि आप 200 रुपए ले लो, पहन लो बस किसी तरह। तो दोस्तों हमारी बोर्डिंग शुरू हो गई है, वहाँ पे लाइन लग गई है, लेकिन इधर चुनचा की मम्मी ने कॉफी ले ली है। ओके, एक कॉफी ली है जो हम लोग फ्लाइट में बैठ के दोनों शेयर करेंगे, ठीक है। मेरा नाम खराब करने की जरूरत नहीं है, हम दोनों ने लिया है। मैंने चश्मा भी नहीं लिया अभी, एक भी चश्मा तुम्हारे पास सूट ही नहीं कर रहा था, पता है। हाँ, मेरे पास अब तक ठीक है यार, मैं तो पुरानी चीजों से भी खुश रहती हूँ, ऐसा नहीं है। आने के लिए स्पेशली नए कपड़े खरीदे गए हैं, कह रही पुरानी चीजों से खुश रहती। अगर ये पैंट लूज है, अगर नए कपड़े नहीं आते ना तो ये फ्लाइट भी कैंसिल करा देती। अरे फाइनल कॉल बेबी, जम्मू फाइनल कॉल। नहीं नहीं, अभी लोग जा रहे हैं अंदर। और जो कॉफी हमें मिली थी हमने ऐसे ही छोड़ दी, क्योंकि उसके अंदर खटमल का रस निकला। इतनी कड़वी कॉफी, इतनी कड़वी। विंडो सीट मेरे को दोगी आज? ले लो, मन तो ठीक नहीं लग रहा, देते हो? ले लो डार्लिंग कॉफीज फ्रॉम फियाना एंड जेन। फियाना ने मेरे को सब कुछ होने के बाद मुझे इतने प्यार से ये कॉफी दी है, ये मखाना दी है, कि मैं इनकी कॉफी जरूर ट्राई करूँ। और ये एक बहुत प्यारा सा क्यूट सा लेटर सा है, छोटा सा। थैंक यू सो मच, इट रियली मींस अ लॉट। मुझे इतना अच्छा लग रहा है ना, मुझे आते ही फ्लाइट में बता दिया था कि आई वॉच योर ब्लॉग्स, तो मैं वॉशरूम जा रही थी तो इनको पहले बता दिया था, बट आई डिडंट नो कि शी वांट्स मी टू हैव हर कॉफी, इनकी बनाई हुई कॉफी। तो नाउ आई एम गोइंग टू टेस्ट अ कॉफी। देख लो फिर आप लोग मेरे को बोलते हो, तो स्ट्रॉन्ग होगा क्या? आई थिंक वी कैन ऐड अ लिटिल मोर वाटर, जैसे ठीक है, थोड़ा सा पानी ऐड करते हैं। प्यार से, दिस इज सो स्वीट यार, प्यामा थैंक यू सो मच, बट आई विल टेक दिस मखाना एनीवेज यार, मैं खा लूंगा बाद में, खाएगा। चलो जम्मू पहुंच गए हैं, और एयरपोर्ट अच्छा लग रहा है जम्मू का, कितने टाइम के बाद मैं आ रही हूँ। मैं पहली बार जम्मू एयरपोर्ट पे आया हूँ। मैं तो पहले आई हूँ ना, हाँ, लेकिन उसके बाद भी अब नया बना होगा, मुझे तो कुछ याद नहीं आ रहा, बहुत साल पहले आई थी। करीब एक बार सामान ले लें, फिर आपसे मिलते हैं दोबारा गाड़ी में बैठ के। ये मेरी गोदी में रहेगा, आपका हॉट लड़की हो क्या? चलो 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 बैठो। नहीं वो तो छुंचा की तरह कर रहा है। चलो चलो चलो। तो जी हम लोग गाड़ी में बैठ गए, निकल चुके हैं, संभावना है मैं हूँ, और रास्ता बहुत ही सुहावना है ऐसा। अब ये मुझे चश्मा लगाने से लग रहा है क्या? नहीं, एक्चुअली में सन नहीं है, थोड़ा क्लाउडी है वेदर, मुझे लगा चश्मे की वजह से मुझे इतना अच्छा वेदर लग रहा है, लेकिन चश्मा उतार के और भी अच्छा लग रहा है। और यहाँ से एक घंटे का रास्ता है हमारे होटल का, और स्नोई भी हमारे साथ है। मेरे पास ना पीछे पीछे भाग भाग के आ रहा है। जो ओ जो मेरे फॉर्म क्यों मेरे पीछे आ जा, क्यों पीछे खेलेगा? आंटी आंटी फिर आपको याद करेगी बहुत ज्यादा। आंटी क्या करेगी? बहुत प्लेफुल है, बहुत बहुत प्लेफुल है, चिंचा की तरह बिल्कुल ना। हाँ वैसे ही है, दो महीने का है। अच्छा तभी ये गाड़ी में आ गया, मुझे लगा इसके पेरेंट्स वो गाड़ी में है तो रोएगा ये, रोएगा ये। हमारी चुनचुन तो बहुत ही ज्यादा हुआ है, वो तो बिल्कुल ही नहीं बैठती हमारे बिना। ये तो बच्चा फिर भी देखो ना खेल रहा है, मुझे खूब खेल रहा है, बहुत एक्सप्रेसिव है। नहीं मेरे को दे दो ये गंदे बच्चे, मुझे दे दो ये गंदे बच्चे को, मैं किडनैप करूंगी इसको, मैं किडनैप करूंगी इसकी, फिर मैं खूब सारी पूछिया लूंगी और खूब सारी पूछिया। आंटी को पता होता कि आप आ रहे हो तो आंटी टॉय लेके आती है आपके लिए। मुझे किसी ने बताया ही नहीं, मुझे किसी ने बताया ही नहीं, मुझे छप ने धोखा दे दिया, ये सरप्राइज दिया, धोखा दे दिया। आंटी आपके लिए टॉय लेके आती है, वो गोली पे लो गुगलू। ओ हो
तुम क्यों नहीं करवा रहे हो? मेरी मेरी आई लव यू सुनो। देखो कैसे देख रहे हो तुम्हें, प्यार तो मैं करूंगा लेकिन इतना नहीं। देना जरा मेरे को देना, देखना अभी क्या बात करेगा। आप यहाँ पे एकदम सेफ हो, तुम्हें तो एकदम समझ गया ये हमारी बिरादरी के लोग हैं। जी जी ये लगा है मेरी मम्मी आ गई है, इसको लगा है मेरी मम्मी आ गई है। फिर हम लोग आ गए यहाँ पे कुछ खाने के लिए, क्योंकि लंच टाइम तो निकल गया। रास्ते में मैकडॉनल्ड्स मिला है। तुमने क्या मेरी तरफ कर रखा है क्या कैमरा? तो तुम क्यों बोल रहे हो और मेरी तरफ कर रखा है? जब तुम बोल रहे हो तो कैमरा तुम्हारी तरफ हो। अरे सामने बरिस्ता। मुझे यहाँ की मिल गई ना तो मैं यहाँ की भी ले लूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, इसकी कॉफी भी अच्छी है। हाँ, मैं कैफे की भी कॉफी अच्छी होती है, ऐसा नहीं है। और थोड़ा सा कुछ स्नैक्स ले लेंगे, फ्रेंच फ्राइज वगैरह। वो तो मैं नहीं खाऊंगी, इतना मुश्किल से अपना वर्कआउट कर रही हूँ और ये कर रही हूँ, मैं फ्रेंच फ्राइज खाऊंगी? समय शर्म नहीं आती बोलते हुए? तुम खाओ, अपना पेट निकालो, मेरे पेट पुट्ठे दोनों बाहर आ जाने हैं 2 सेकंड में। जब फ्रेंच फ्राइज जाएगा ना अंदर, पहले निकलेगा पहला पुट्ठा बाहर। खत्म बात। मेरे सर मेरे को इतनी मेहनत करा रहे हैं, मैं ये करूँ तभी इसका खाना खाऊंगी मैं। ये सर की गुड बुक्स में आने के लिए कर रही हूँ ना, कि जब व्लॉग आएगा तो मेरे सर कहेंगे अरे वाह देखो इसने वहाँ क्या फॉलो। और मेरी कॉफी, मेरी कॉफी ले लेना। ये कैसे बच्चे की तरह बैठ गया आइसक्रीम खाने में भी? देखो ये कहाँ से आई है? अरे मैं देखे आई ना, मैकडी से ले ली मैंने इससे। मजा आ गया। वो भी मेरे को न, मेरे मेरे से नहीं होता बेबी, मैं क्या करूं। एंड हियर वी कम, होटल पहुंच गए हम लोग और बिल्कुल पहाड़ों का। आई होप हमारा व्यू अच्छा हो रूम का। अरे मंदिर, मंदिर यहीं से दिख रहा है, माता का मंदिर वहीं से दिख रहा है। हां ये माता का मंदिर इधर है। ओके। और ये आपकी सांझी छत। अच्छा सांझी छत ये इधर क्या हुआ? वो एकदम भाग रहा था ना, एकदम गाड़ी निकलने लग गई, वो छुटकू सा डॉगी। मेरे को लग रहा है यही होगा हमारा व्यू, रुकना जरा। माय गॉड, यही व्यू होगा और यही है चलने का रास्ता। वो तो पूरी जो छत दिख रही है वो रास्ता है पूरा ऊपर जाने का ना। हाँ। और माता का मंदिर। हाँ। ये सांझी छत है। हाँ। वो माता का दरबार है सबसे ऊपर वाला। सबसे ऊपर वाला। ओ। अब ज्यादा क्लियर, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे पता और लगता जाएगा। आई एम कमिंग आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो हम लोग पहुँचे हैं शाम के 5:45 बजे। लेट हो गए हैं मतलब, अब तो बिल्कुल ही, अब तो आज तो वैसे भी शुक्र है रेस्ट लेने का ही टाइम है। पूरा पूरा दिन ही हमारा ट्रैवलिंग में निकला। Thank you.